हेलो जी, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। वेलकम बैक फ्रॉम 917। और हम अपना आरवी ट्रिप करके आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छा रहा। थोड़ा सा मौसम ने साथ नहीं दिया था, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेवलिंग। बट मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत सुंदर जगह थी, बड़ा फुल एंजॉय किया। हाँ, फुल एंजॉय किया। अब मेन काम शुरू हो गया उसकी, आरवी की सफाई का। सारा कुछ बाहर निकालना है, धोना है, आरवी साफ करनी है, खाली करनी है। सो आज का दिन तो हम उसी में स्पेंड करेंगे सारा। ठीक है मम्मी, चलो फिर करते हैं अपनी आरवी की सफाई आज। उसका मेनली सामान मैंने कल निकाल लिया था, क्योंकि सामान चीज़ें चाहिए थी। फ्रिज भी ऑलमोस्ट खाली हो ही गया था, है ना। बस थोड़ा सा सामान पड़ा होगा फ्रिज में, थोड़ा सा मिल गया बस। खाली हो गया, अब रसोई का तो सारा सामान बिल्कुल निकल गया। ये भी निकल गया डब्बे, बाकी सारा सामान ये हो गया, फ्रिज का निकल गया। अंदर रख के आते हैं, बस ये रखा, फिर जूते रखा सारे, ठीक है। फिर कपड़े निकालते हैं सारे, ठीक है। अभी मैंने कहता है कोशिश करी थी इसके जैक लगाने की, कहता है एक्सेस स्लोप बेचार लग नहीं पाया जैक, तो उसको हमने 15-20 मिनट उसको ऐसे छोड़ना। उसके बाद फिर मैंने बिल्कुल आगे की तरफ लगा दिया, आर भी बिल्कुल आगे ले जाके, पीछे पीछे एंड में ड्राइवे पे ना स्लोप बहुत ज्यादा है। तो मैं देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल ना आगे करके, जैसे यहाँ बिल्कुल आगे ले आऊँ। जरूरत पड़ेगी थोड़ा गैराज के अंदर भी ले जाऊँगा इसको, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा स्लोप थोड़ा कम हो जाए, ताकि इसे जैक आराम से लग पाए। एक बार जैक लेंगे, उसके बाद फिर मैं वो खोलूँगा इसका स्लाइड आउट, फिर जितने दराज दरूज हमारे बचे हैं जिसमें सामान है सब निकालेंगे, खाली करेंगे। पर उससे पहले जितना सामान ऐसे निकलता है वो निकाल रहे हैं। तोश वर्णन को सामान पैक हो रहा है उसकी फ्लाइट है अब वापसी की, तो वो भी फिलहाल गई हुई अपने किसी कज़न से मिलने के लिए बाहर। वो आएगी, उसके बाद फिर उसका सामान औजार पूरा ढंग से पैक करते हैं और टाइम से निकलेंगे उसकी फ्लाइट के लिए। आज शाम की फ्लाइट बेचारेगी गोइंग बैक। अब ये सबसे पहले ना जैकेट्स का ढेर रख दे, या फिर हैंगर में टांग देंगे, अभी तो बाहर नहीं तो सोफे पे रख दे। अरे पटक दो, अभी यहीं पे ही छोड़ दो, मैं अंदर ले आता हूँ सारी, क्या करके कोई दिक्कत नहीं। एक एक इकट्ठी ले जा। हाँ हाँ, जितनी आती है हाथ में जगह खाली हो जाएगी। हाँ, सबसे ज्यादा जगह तो उन्होंने घेर रखी है। बाहर वाले सारे देखता हूँ खाने ना, जैसे ये वाले इनमें जितना सामान पड़ा है स्टॉलिंग पैक करता हूँ वापस डब्बे के अंदर। कमजोर हो इतना दिन चलाने के बाद ना आरवी ये चला के इतना अजीब से लगा। पहले तो बैटरी उठा नीचे, उसके बाद कहते हैं स्टीयरिंग इसका इतना ज़्यादा हार्ड लग रहा है, उसका कितना सॉफ्ट स्टीयरिंग था। उसके बाद जब गाड़ी चलाओ चलाती जैसे रेस पे पैर देते हो, इस पर हल्का सा पैर दबाती है ना उड़ती है गाड़ी, तो वो इतना दबाओ दबाओ तब जाए वो थोड़ा हिलता था झटके। मैं उस हिसाब से पैर दबा रहा हूँ, आई मीन उस पर स्टीयरिंग अपना रेस दबा रहा हूँ,
ये फिर उठती है, एकदम उड़ती है। ताशुरु के जाने से पहले एक बार शॉर्मा खवा दे। लस्सी? ये इनकी लस्सी है, मैंने टर्की में ट्राई की, बड़ी प्यारी थी, अच्छी लगी मुझे, उसके बाद में हमेशा लेती हूँ। ਵਾਏ ਵਾਏ ਕਿਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾ ਵਾਏ 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 ਸ਼ਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੇਬੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਹੈ ਹਮੇ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ आप लोग मिले हुए हैं वैसे पहले उनसे हमारी वीडियोस में, तो वो आज आने वाले हैं यहाँ पे थोड़ी देर में, और वो एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने के लिए, तो वो बस अभी वेट हो रही है उनकी, वो आएंगे उसके बाद दिखाते हैं वो क्या चीज़ लेके आए हैं और फिर बताते हैं आपको क्या कर रहे हैं। ओ या जब तक वो आते हैं तब तक अभी वो दो घंटे पहुँचेंगे, मेरा बस एक काम हो जाना बेस्ट बाय, कुछ सामान उठा के लाना है, फटाफट उठा के लाता हूँ, फिर मिलते हैं उनसे। Already back. सामान ले आया। बस थोड़ी देर कर दी हमने सामान लेने में, पर क्या करें, चीज आई अभी दो दिन पहले है। बताओ क्या है? अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। मुझे लगा ही कि लोगों को आईफोन है। मेरे को था कि ये नया इसका वर्जन रिलीज होना है, बट कब होना मुझे पहले पता नहीं था, तो मैं इसकी वेट कर रहा था क्योंकि इसमें है अपना हाँ ओमनी डायरेक्शनल एक्टिव ऑब्स्टेकल सेंसिंग। बेसिकली ये आता है कहीं भी कुछ पेड़ फूड आया कुछ और चीज़ आता है अपने आप सेंस कर लेता है और रुक जाता है। तो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम अभी थोड़े नौसिखी हैं इसमें, है ना। अभी हमने तो खैर मैंने मुश्किल कितनी दो या तीन बार उड़ाया होगा ड्रोन, मनी वाला कभी उड़ाया होगा, तो इसलिए हमारे लिए ये चीज़ सही है। उड़ा के देखिए, देखते हैं उड़ा के खोलते हैं, पहले समझते हैं इसको, चार्ज करना, इसको चार्ज करेंगे, इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसको फिर एक्टिवेट करेंगे, फिर इसका रिफ्रेश पैकेज लेंगे, रिफ्रेश केयर पैकेज बैग इसके अंदर ही है। अच्छा आता है, दिस इज फ्लाई मोर कॉम्बो। ओके ठीक है, इसमें ड्रोन है, उसका रिमोट कंट्रोल है, तीन बैटरीज हैं, बैटरी चार्जर है, थोड़े इसके पंखे हैं, एक बैग है, छोटा मोटा सामान और है। करते हैं थोड़ा बाहर अंधेरा सब पड़ने लगा है और वो बस आने वाले हैं, तो मैं क्या इसको अभी रखते हैं, इसको आराम से खोल खाल के इसको आराम से सेटिंग करेंगे, बाकी फिर देखते हैं। चुल मुझे ही बहुत ज़्यादा हो रही है, बट अभी कोई नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा पेशेंस, अगर ज़्यादा चुल हुई तो फिर रात को करके देखेंगे, पर फिलहाल के लिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ते हैं और अभी मिलते हैं चल के अपने प्यारे सब्सक्राइबर से। तो ये हमारे पास आ गए जसमीत जी, ये अपना ट्रिप कर रहे हैं यहाँ से इंडिया ऑन ब्रोंको। तो भाई बस अभी जा रहे हैं गाड़ी देने के लिए हैलिफैक्स में, जहाँ से शिप होगी इंग्लैंड। हाँ जी, यूके में लिवरपूल, फिर वहां से इंडिया का ट्रिप। और आप अकेले कर रहे हो? सोलो ट्रिप हाँ। बड़ी मतलब इंस्टाग्राम यूट्यूब टिकटॉक यहाँ फॉलो कर सकते हो आप इनको, इनकी जर्नी। अच्छा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव। चलो मैं ये टायर एक्स्ट्रा लगवाया अपने बड़े वाले उसके लिए कि भी जर्नी भी ज्यादा। और इंडिया में तो फिर अगर गया वहाँ ले लद्दाख मनाली स्नानी ये सब जाएंगे तो फिर लास्ट टाइम जब मिले थे तो गाड़ी का रंग बिल्कुल, गाड़ी का हुलिया पूरा डिफरेंट सा था, अब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। सही है, ये कवर करेंगे 17 कंट्रीज। नाइस, से हैलिफैक्स, हैलिफैक्स से शिप होगी फिर आयरलैंड से जाते हुए यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, यूगोस्लाविया, टर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। ਵਨ ਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ।
हम भी रंगवाते हैं गाड़ी आरवी रंगवा लो या बाइक रंगवा लो होंडा करवा लेते हैं होंडा के पार्ट्स मिल जाते हैं ठीक है भाजी ओके जी मन ललचा गया मन बहुत ललचा रहा है भाई बहुत ज्यादा मैं भी खत्म होता नहीं है मेरा भी ललचा रहा है कि ऐसी बोरिंग लाइफ जी रहे हैं करना चाहिए मनी मनी के थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा वही है मनी एक बार शुरू करे अपनी गाड़ी पे जो नई जाएंगे हम भी वही हम भी पहुंच जाएंगे जैसे पैसे कहीं ना कहीं ज्वाइन कर ही लेंगे उसको जितना कर पाएंगे उतना तो करेंगे पंप आ गया देख के पंप बहुत आ रहा है सीरियसली मम्मी ने भी आ गया देखो मेरे को अभी तो नहीं है मैं इतना लंबा नहीं कर सकती आरवी पे तो कर लो थोड़ा कर ही लगी आरवी पे तो मम्मी को यूरोप बेसिकली आरवी पे कराते हैं वो तो खैर मनी जब मम्मी का जब होगा तब होगा चलो बाकी आरवी यहाँ पे जितना करा सकते थे हमने करा दिया हाँ दूसरी साइड मनी ने करा दिया इस साइड हमने करा दी थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी नीचे वाला रह गया थोड़ा सा बट नहीं जर्नी वाला रास्ता बहुत फर्स्ट बर्थ फाइनली Sunny got his drone, baby. Karo, open. Everything is in the box. I mean, your bag. Nice. See ya. हमने ऑर्डर किया फ्लाई मोर कॉम्बो प्लस नहीं किया प्लस करते तो उसमें फिर बैटरीज आती ज्यादा बड़ी वाली पर वो बैटरीज वो लगाने के बाद इसका वेट 250 ग्राम से ऊपर हो जाता तो इसलिए हमने जस्ट फ्लाई मोर कॉम्बो दिस इज RC2 नए वाला कंट्रोलर पूरा सेटअप करना पड़ेगा तो बिल्कुल ये रॉ होगा पंखे पंखे लगे हुए इसके लगे हुए सब लगे हुए हैं वेरी गुड नाइस बोल रहा था पंखे पंखे लगाने पड़ेंगे इसके बस या वही बस बाकी छोटा मोटा सामान इसके अंदर होगा एक्स्ट्रा पंखे तारे हाँ बस यही है चलो चार्ज करो फिर बैटरी चलो अभी वो भी लेना है इसका रिफ्रेश केयर भी लेना है वो पहले ऑन तो कर लो कैलिब्रेट करने को कह रहा हो हाँ देख रहा हूँ अभी तो बस कवर कर रहा है फिर कुछ देर तक खूब सारी सेटिंग्स फरोलने के बाद अपनी हमने करी चुल पूरी और उसको उड़ाया उड़ाने के बाद भाई था तो अंधेरा चारों तरफ अच्छी तरीके से नजर अपने को कुछ आ नहीं रहा था कि ड्रोन कहाँ जा रहा है पर वही थी चुल थी तो उड़ाना था हमने कहा चलो कोई नहीं अब उड़ा दिया तो थोड़ा घुमाते फिराते हैं पर फिर बाद में पता चला कि भाई जो इसका जो सेंसर है ओमनी डायरेक्शनल वाला ऑब्स्टेकल सेंसर वो रात में काम नहीं करता क्योंकि इसके कैमरे रात में कुछ देख नहीं पाते तो हमने कहा चलो कोई नहीं भाई इट्स नॉट दैट सेफ कि इसको इस टाइम उड़ाया जाए तो शांति से हमने ज़रा इसको उतार लिया वापस नीचे चलो ये तो हमारी होगी ड्रोन की टेस्टिंग पहली फ्लाइट जो कि बिल्कुल रही अनसक्सेसफुल चाहे सनी ने पहले उड़ाया हुआ है बट रात का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था इसलिए कुछ कामयाब नहीं हुआ तो अब हम इसको प्रॉपर दिन में करेंगे थोड़ा सा घर के बाहर जाके या घर में ही कहीं पे इसके शॉट्स लेंगे सनी भी ट्राई करेगा मैं भी ट्राई करूंगी देखते हैं कौन अच्छे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है कौन अच्छे शॉट्स ले पाता है ऑब्वियसली सनी लेगा क्योंकि मैंने तो कभी ड्रोन को हाथ भी नहीं लगाया बट विल सी
बाकी ये वाली वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम ऑटवा 917 ऑटवा।